नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आतंकवादियों के खिलाफ हर कोई है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान, अमेरिका हो या फिर रशिया। कोई भी देश नहीं चाहता कि आतंकी उसके घर में घुसे और तबाही मचाए, इसलिए पूरा विश्व आतंकियों को जन्नत बख्शने के तैयार में लगा रहता है। और एक ऐसी ही खबर सामने आई है अफगानिस्तान से। यहाँ कई आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। अब इस खबर ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि अफगानिस्तान कर क्या रहा है। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया गया है। पिछले दो दिनों में अफगान बलों के हवाई हमले से 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये कार्रवाई ऐसे समय की जा रही है जब अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता रुकी हुई है। ये वार्ता कतर की राजधानी दोहा में चल रही थी। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि गुरुवार रात हवाई हमले में ब्लांक प्रांत के चारबल जिले में तालिबान के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। यहां 3 स्थानीय कमांडरों समेत 11 आतंकी मारे गए। इसी इलाके में बुधवार को भी 2 हवाई हमले किए गए थे। एक हमले में 31 और दूसरे में 26 आतंकवादियों को ढेर किया गया था, जबकि हेलमंद प्रांत के 2 जिलों में भी आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। यहां कुल 27 आतंकी मारे गए। वहीं आपको बता दें, शांति वार्ते में ठहराव आने के बाद अफगानिस्तान में संघर्ष बढ़ गया है। अफगान सरकार और तालिबान के बीच गत 5 जनवरी को दूसरे दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन पिछले 25 दिनों से दोनों पक्षों के बीच कोई बैठक नहीं हुई। मतलब साफ है कि अब अफगानिस्तान पूरे तरीके से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।